हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं भास्कानंद जोशी ब्लॉग। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं रोड तक और हमारे आज आ रहे हैं दिल्ली वाले दादाजी और भाभी, तो उनको लेने जा रहे हैं और हमारे बच्चे भी हमारे साथ आ रहे हैं। तो अभी वो क्या कहते हैं, वो भी आ रही, क्या है, वर्तिका, वर्तिका भी आ रही। देखो बच्चे इतने खुश हो गए, बच्चों की इच्छा है कि हम भी जाते हैं रोड तक, तो हम लेके आते हैं। हम जाएंगे वो चंदेश्वर तक जाएंगे। क्या लग गया, पानी आ रहा है। और बासु की इच्छा हो रही बाइक चलाने की, चलो बैठ भी जाइए। यही बाइक वहीं पर रख, आगे रख, आगे आगे कर उसे। हाँ ले जा, कोई बात नहीं बेटा। एक तो बिना चाबी की बाइक चलाने की सोच रहा है। जो दिन का समय है और इतनी तेज धूप लग रही है कि जो माथा है वो एकदम तब जलने लग रहा है। ये बासु कैसा लग रहा है? और आज बासु ने भी कुछ लुक बदल रखे है, आज जुले है ना, कुछ कटिंग भी इसने। नदी बच्चों ने लगा दी है दौड़, तो अब इसमें इनकी होड़ होगी कि मैं फर्स्ट या मैं फर्स्ट। हो सकता है इसके सूखे है यार ये तो। कितना हाँ बेटा, किसको पहुंचाने आई थी? व्यास जी को, व्यास जी कहते हैं। अच्छा, और सामने कोसी नदी में कुछ खच्चर जो है चल रहे हैं और चंदेश्वर के समीप, और हमारे बच्चे यहाँ पर रुक गए हैं और इंतजारी कर रहे हैं। तो बच्चे इंतजारी करने में ही है, इधर आए रोड में। नमस्कार, नमस्कार। तो आज हमारे दादी आए हैं दिल्ली से और भाभी जी, देखो बच्चे आगे खुश हो गए। हम पहुँच गए हैं घर के समीप, दादा भाभी जा रहे हैं और आगे बासु भी पहुँच गए। दादा पहुँच गए फिर घर। हम ताऊ जी भाई जी कहाँ है? ये है ताऊ जी। ताई जी और बतिया कैसा लगा तेरे को? अच्छा, अच्छा लगा। ये देखो दीदी आ गई पानी लेके, ये बड़ी वाली। हाँ ये और प्रणाम हो ही गया इनका। और तीसरी बहू कहाँ गई इनकी? अभी लो तीसरी बहू भी आ गई है। ये कौन लाया तेले? ये क्या है? कौन लाया? लाल सिंह काई जी लाए। या देख लाल सिंह, आज इसकी ताई जी इसके लिपस्टिक लगाई, लिपस्टिक लगा दे। देख रहा है क्या? ताऊ जी को दिखा दे लिपस्टिक लगा के। हैं? तो लिपस्टिक अभी लगाते हैं इन छोटे बच्चे, लगाते हैं। आज बहुत खुश लग रहा है यार, अभी हमारे साथ घूमने चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा? क्यों हमें नहीं ले जाएगा घुमाने, ताऊ जी को और मेरे को? कहाँ खेलने जाना आज हमारे साथ खेलेगा? गाड़ी खेत नहीं, आज चनोदा चलते हैं खाने। कोई आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम नहीं मिलती। तभी तो चलेगा घूमने, तब आएगा ये। अच्छा ऐसा कहना पड़ेगा, देख तो बासु को खिलाई जाएगी आइसक्रीम भी अगर आएगा तो। क्या है ये, कौन लाया है? ये पुराना है सब? नहीं ये नया है। कहाँ से आए? बत्तू को चाहिए चिप्स, ला मेरे को भी देख दो जल्द। तो मेरे लिए भी है बेटा। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ मिठाई लेके आए? क्या लेके आए? कहाँ है? ये ताई जी ताऊ जी लोग आपको देख रहे हैं। अच्छा पूछनी है कुछ? हाँ, वीडियो कैसे, वो क्लिप एडिट कैसे करते हैं? हाँ इससे पूछिए। और साउंड कैसे करते हैं, उसको एक दूसरे एक दूसरे वीडियो को जोड़ते कैसे हैं, वो सब चीज सीखना है। ये, तो यही है वासु से मुझे अभी बहुत। और क्या ऐप होता है ना? हाँ ऐप करते हैं, मैंने एक ऐप कर रखी है वो। तो बच्चों टाटा, हम जा रहे हैं घूमने भी, ठीक है? तुम्हारे सर से कुछ कहना है? पढ़ाई कर रहे हैं तुम ना? दद्दा भी आ गए हमारे साथ, बासु आओ बासु। तो आज हमें बासु ले जाएगा घुमाने चनोदा की सैर। ताई जी नमस्कार, बालरचा अलबेर महान काम कर दे तुम, भागवत भागवत कर बे। हाँ ये महान है हमारे गांव के, क्या कहते हैं इनको, नेता कहो अभिनेता कहो। और अभी जा रहे हैं खेत में कुदाल दाल लेके। और ताई जी इस उम्र में आप आराम करें, ज्यादा खेती बाती के चक्कर में ना पड़े। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? अरे दो हाथ जोड़ के तो ना, हाथ उसार के जाऊंगे, हाथ जोड़ के आई हूँ। नहीं फिर ये कुदाल दाल को रखो आप साइड में, ये भी है ना जीवन में, ये भी काम करना है। अच्छा तो देखो ये इनसे ज्ञान ले। और इनकी उम्र अभी 80 से ऊपर हो गई है, 83 साल की है और अभी भी खेती बाती में लगे पड़े हैं। तो ताई जी हम घुमाते हैं फिर। हाँ, और गए चला बुआरी नाते नतीना सब गए?
ठीक है तो हम चले भी जाएंगे। हो रही है रोपाई की तैयारी खेत में। कदिन चू रोपे? अरे वो पानी होगा कि तो सांझे भगे जी। ये देखो ये है पहाड़ की वो क्या कहते हैं कर्मठ महिलाएं और हमारी जिद्दा की बेगम गई जाती है। गिरजी के मोड़ के समीप चनौदा से 200 मीटर पीछे उसके बाद हम पहुंचेंगे चनौदा। तो वासु को थोड़ा हमारे साथ आने में आज उतना आनंद नहीं आ रहा है भाभी जी। वासु कह रहा कि मैं क्रिकेट खेलने जाता। तो कोई बात नहीं, हमारे साथ घूमने के बाद फिर वो क्रिकेट खेलने जाता। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं चनौदा गांधी आश्रम में और यहाँ कुछ मशीनें देख रहे हैं। तो हमारे भाभी जी और दादा भी आए हैं। तो देखिए कुछ मशीनें देखिए पुरानी। अभी तो गांधी आश्रम बंद हो गया है, शाम का समय है। ये ऊन है, हाँ इसमें ऊन को साफ किया जाता है। मेरे को ज्यादा जानकारी तो है नहीं इसकी, लेकिन मोटी मोटी जानकारी। तो सामने जो ये मशीन दिख रही है भट्टी, इसमें कोयले डाले जाते हैं और यहाँ से कुछ न कुछ काम होता ही है, मतलब मशीनें चलती हैं। कैसा वासु, तो जानकारी सही दे रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही है ना भाभी जी? हाँ भट्टा ही है वो। तो ये है क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम चनौदा। तो हमारे वासु थक गए हैं आके, तो आज हम पहुंचे गांधी आश्रम तक और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। तो हमारे साथ हमारे वासु भी आए हैं। तो वासु ठीक लगा गांधी आश्रम में पहुंच के? चलो ठीक है, तो अब घर की ओर। तो दोस्तों वापस आए तो हमें दिख गए दुकानों में आलू। दिखे ये हमारे सोमेश्वर घाटी के आलू बड़े फेमस हुआ करते थे और अब लोग कम ही लगाते हैं आलू। अनिल जी को राम राम। और सुनाइए सर, यार आलू यही दिख रहे हैं यार। अच्छा बाबू जी, बहुत सुंदर आलू है ये। आपके खेतों के ही है ना सर? बहुत सुंदर यार। तो हमारे अनिल जी यहाँ के एकमात्र वाला वो जो आलू के थोक विक्रेता है, तो कभी इनको मौका दीजिए आने का। महाराज ठाकुर सर, तो ये ठाकुर साहब के भी दर्शन हो गए, नमस्कार। और आनंद हो रहा ठाकुर साहब? जय हो। और अनिल जी सुनाइए यार, आनंद हो रहा है? तो यहाँ पर तोले जा रहे हैं आलू, देखो पहाड़ी आलू जो बेचे जा रहे हैं यहाँ पर। एकमात्र दुकान जो है चनौदा की। जैसे चनौदा पहुंचे यहाँ पर हमें चंदन सिंह जी के दर्शन हो गए और पहले में आगे से कौन थे? चंदन सिंह जी। उसके बाद कौन आएंगे? रमेश सिंह जी आएंगे। तो चंदन सिंह जी को देख के रमेश जी खुश हो गए। जय हो ठाकुर साहब की। और सर आनंद हो रहा है? आपके तो दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। कहाँ पर कहाँ गए यार हमारे? में हेलो सर, जय हो, कल्याण हो। और सुनाओ यार कहाँ है? खास लाला जी है हमारे। रोपाई कहाँ है यार? बारिश हो नहीं रही है, आपके वहाँ तो पानी पानी है यार। कुछ नहीं है। और सुनाओ, ये आपके सब गार्डन के हैं सर? ये आप ही के गार्डन के हैं? हम हाउस के भैया गार्डन में पीछे है। अच्छा गार्डन पीछे है, उसमें पानी नहीं है? उसमें पानी नहीं है, फार्म हाउस हल्द्वानी में। अच्छा हल्द्वानी का फार्म हाउस, बहुत सुंदर प्रभु। तो भागुनी जी हम चलते हैं घर को। तो आप की जो क्या कहते हैं दर्शन हो गए ना प्रभु के, तो दर्शन होते ही हमें भी कुछ आनंद आता है। तो बालक हम चले, हम सामने आएंगे घूम के आएंगे। जय हो ठाकुर साहब की। बहुत आनंद हो रहा है। और कैसी चल रही है दुकानदारी? आनंद गुड यार। तो आज यार हम आपकी दुकान में आए तो हमें एक पेंसिल का डब्बा दे दो, क्योंकि दुकान में कितने वाला दे दो? 50 वाला, 60 वाला, जो बढ़िया है, जिसको देख के बच्चे भी प्रसन्न और हम भी प्रसन्न। गुड सर। और क्या फिर बासु आपको भी चाहिए एक? इसको भी पहन दो यार। चनौदा आके तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो कभी भी आए चनौदा क्या कहते हैं केनरा बैंक के बगल में दुकान। नाम क्या रखा है सर दुकान का? अभी बता दो आप ही। हनी ऑनलाइन स्टोर। ये हनी ऑनलाइन स्टोर में आइए और अपने मोबाइल रिपेयरिंग और क्या क्या है सर बताते रहो। मोबाइल रिपेयरिंग, सीएससी सेंटर, स्टेशनरी, गिफ्ट, जूते, चप्पल, ऑल आइटम मिल जाएगा। बस ये बहुत बहुत सुंदर प्रभु, ये चल रहा कार्यक्रम। यहाँ पर क्या चला? मोबाइलों का काम, मोबाइल रिपेयरिंग का सर। गुड यार, ये कभी भी आओ और खुश होके जाओ यहाँ से। एक 20 दिखाओ यार, ऐसी क्वालिटी की जो खराब ना हो।
जाना हो खराब तो होगी, खराब होगी और खराब ना होने की कोई गारंटी ऐसी बताओ जिससे खराब ना हो। और यूज नहीं करेंगे तो अभी हम चौदह से वापस आ रहे हैं और सामने देखिए एक पुराना मकान। तो आजकल जो एक पुराने मकान है बहुत, और दोस्तों देखिए यहाँ पर सामने अंगूर की बेल भी दिखाते हैं और अंगूर भी लगे हुए हैं। बासु आया था और बासु वो सामने पहुंच गया है अकेले अकेले, तो उसको घर जाने की जल्दी थी अभी। तो दोस्तों अभी हम चंदेश्वर के समीप पहुंचे हैं और मच्छी मारने वाले यहाँ पर हमारे बच्चे पहुंचे और ये देख रहे हैं नदी में मच्छी मारने वालों को। तो कहीं तुम तो नहीं मार रहे मच्छी, नजारा देखते हैं तो बच्चे देख रहे हैं नजारा और हम इनको देख के प्रसन्न होंगे। हमारे बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ पर और हम आ गए, हमारी बिटिया आ गई है दौड़ दौड़ के। हम जैसे ही घर के कुछ समीप पहुंचे तो हमारी बिटिया करी हमारे लिए केक रखा है। तो केक कहाँ से आया है पहले बताओ। मैं पास है। हमारे पास है घर के सदस्य भाभी लोग यहाँ पर गाय बच्चों के लिए घास को मिक्स करिए। देखो भाई जी देखो घास मिक्स किया जा रहा है यहाँ पर। आपने भी किया कभी ऐसा है? किया है तो हमारी भाभी जी ने भी इतना किया लेकिन थक गई है। तो बताओ तो कैसे करते हैं भाभी जी, जब बताइए। तो अभी भाभी जी बता रहे हैं ये हैं दिल्ली से आए हुए, तो घास को मिक्स कैसे करते हैं भाभी जी ये देखिए। हाँ हाँ देखो देखो वाह वाह आहा।